We are outside the GB Pant Engineering College in Okhla, which is one of the counting centers for the Delhi Assembly elections. We decided to find out from residents of the area what they want from the next 5 years and what they hope will happen. अब ये आने वाला 5 साल तो हमारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा होगा और जनता को हर वो चीज मिलेगी जो मेरे केजरीवाल जी ने कहा था। नींव पड़ी है, अब इस पर जो इमारत खड़ी होगी वो बहुत तेजी से खड़ी होगी। इस पर आप जितनी मंजिलें जितनी चाहें जितनी बड़ी खड़ी कर सकते हैं। अभी उनकी सरकार बनेगी, शायद मैं समझता हूँ गरीब लोगों को बहुत अच्छा सहारा मिलेगा और लोग खा कमा सकेंगे। मैं अगले इन 5 सालों में ये देखना चाहती हूँ कि भड़काऊ चैनल वो कम, लोग कम होंगे और जनता जितनी अभी तक भड़की है वो बदलेगी। सो होपफुली दैट यू नो नाउ द पॉलिटिक्स नीड टू टर्न टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स हेल्थ एंड टुवर्ड्स द बेसिक वोटर इश्यूज। मैं ये चाहूंगा कि ये सर्व समाज में नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की जाए। बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा मिले, खूब अच्छे स्कूल मिले, एडमिशनों में धक्के खाते हैं और अच्छा इनको सब कुछ मिला। हर गरीब आदमी को बच्चों में स्कूल के बाद हो गए, धक्के ना खाने पड़े। हम पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा अस्पतालों में, स्कूलों में और भी ज़्यादा अच्छा कर। बच्चों के लिए खूब चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी है, स्कूलों को सही है, साफ सफाई की देखो। हमारे सबसे पहले कूड़ेदान को साफ करवाओ यहाँ से, हैं श्यामनगर में मोहल्ले में करना चाहिए, बारात घर चाहिए और क्या चाहिए। इसको फ्री करो, फ्री करो और एक पार्किंग बनाओ श्यामनगर वालों के लिए। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, गाड़ियों के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का इंतजाम जरूर होना चाहिए। पार्किंग की बहुत समस्या है, आपस में लड़ाई हो जाती है, खड़ी नहीं होने दे देते गाड़ी एक दूसरे की। कूड़ेदान है, जब भी किसी के कोई गेस्ट आता है तो सबसे गंदा यही लगता है। ये बोलता है कि वैसे तो ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, लेकिन जैसे ही हम एंट्री करते तो गंदगी नजर आती है, तो पहले उसको साफ कराया जाए। और जो है पब्लिक के झगड़ा रहता है पार्किंग के लिए, वो बनाया जाए। बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी फैसिलिटी हो, जैसे झूले वूले। मैं समझता हूँ कि बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों को रेहड़ी पटरी वाले खाए कमाए और जैसे भी लोग दिल्ली के अंदर निवास करने हैं उनको बेचारों को रोजगार मिले, तो यही मेरी इच्छा है, उम्मीद है। उम्मीद अगर रखेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर उम्मीद रखेंगे तो बहुत कुछ होगा। उम्मीद यहाँ तक ले आई और आगे तक ले जाएगी, अच्छा होएगा।